वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम फिर से मॉडल टेस्ट 2 लेकर आए हैं, कंप्यूटर से संबंधित विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का सार संग्रह। जो विद्यार्थी राजस्थान पुलिस की व ग्राम विकास अधिकारी व कंप्यूटर संगणक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए स्पेशल विगत परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का जो है कंप्यूटर के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनके लिए स्पेशल हम आपको जो है रिवीजन क्लास जो है उपलब्ध करवा रहे हैं, ताकि आपके क्वेश्चन जो भी रिपीट हो वो क्वेश्चन आपका पेपर के अंदर न छूटे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको डेली राजस्थान पुलिस व ग्राम सेवक अधिकारी और कंप्यूटर संगणक भर्ती के लिए कंप्यूटर के क्वेश्चन मिलते रहें, ताकि आप इन क्वेश्चनों को रिपीट कर सकें। तो बात करते हैं आज के क्वेश्चनों की, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था, जो सबसे पहला कंप्यूटर बनाया गया था उसका नाम क्या था? तो उस कंप्यूटर का नाम था ENIAC। ENIAC कंप्यूटर बनाया गया था 1948 के अंदर, इस कंप्यूटर को बनाया गया था। और कंप्यूटर के अंदर जो मान क्रांति आती है वो 1860 के अंदर लगभग आती है। और वही बात करें तो इस ENIAC की फुल फॉर्म क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंट्रोगल एंड कैलकुलेशन। इसका आविष्कार कौन करता था? जेपी स्टॉप एक तो आता है, जेपी स्पर्ट एक आता है, जॉन मूचली जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, जॉन मूचली द्वारा जो है ENIAC कंप्यूटर का जो है आविष्कार किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। आगे बात करें दो नंबर क्वेश्चन की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पक्का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। आगे बात करें इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है, ये तो कोई भी एग्जाम हो पक्का पूछा ही पूछा जाता है, और इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सेम रिपीट होगा। निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो आपको पता है वोल्फ्राम अल्फा जो है सर्च इंजन नहीं है, गूगल है, याहू है, और बींग बंदू है, और भी बहुत हैं जो कि सर्च इंजन है। तो ये क्वेश्चन पक्का रिपीट होगा आपकी बार, जो बताती राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रही है, ग्राम सेवक की तैयारी कर रही हैं। आगे बात करें 4 नंबर क्वेश्चन की, निम्न में से कौन सा इनपुट इकाई है? एक आपको इनपुट व आउटपुट से संबंधित पक्का क्वेश्चन आएगा, जो कि कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन होते हैं, इनमें से आपको पता है कंफ्यूज किया जाता है। अब सीधा पूछ लिया इनमें से कौन सा इनपुट इकाई है, माउस है, कीबोर्ड है, स्कैनर है, या इनमें से सभी? तो आपको पता है कि इनपुट डिवाइस कौन कौन सी होती है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी है, माउस भी है, कीबोर्ड भी है, स्कैनर भी है, तीनों के इनपुट डिवाइस है। इसके अलावा और कौन कौन सी इनपुट डिवाइस है, जैसे जॉयस्टिक जो है एक खेला जाता है इससे, माइक्रोफोन वेब कैमरा हो गया, और वहीं पूछे तो जितनी भी ये रिकॉग्निशन है, जैसे OCR हो गया, ये इनपुट डिवाइस है, OMR होगी, ये भी इनपुट डिवाइस है, पक्का पूछा ही जाता है, OMR की फुल फॉर्म पूछी जाती है, QR हो गया, ये भी इनपुट डिवाइस है, और MCR हो गया, ये भी इनपुट डिवाइस है, एक BCR हो गया, ये भी इनपुट डिवाइस है, और SRS ये भी क्या है, इनपुट डिवाइस है। तो इन सब इनपुट डिवाइसों को याद कर लेना है, मैंने आपको सारा बता दिया है। इसके अलावा माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, वेब कैमरा, माइक्रोफोन, जॉयस्टिक तो है सभी हैं। आगे बात करें 5 नंबर क्वेश्चन की, 1 किलोबाइट के बी कितने बाइट के बराबर होते हैं? तो 1024 बाइट के बराबर क्या होते हैं, 1 किलोबाइट होते हैं, यानी 1024 बाइट के बराबर क्या होता है, 1 किलोबाइट, यानी के बी होता है, 1 किलोबाइट होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। आगे बात करें 1 मेगाबाइट MB कितने बाइट के बराबर होते हैं? तो 1 मेगाबाइट जो होता है 1 MB के बराबर होता है, 1024 MB के बराबर होता है, 1 मेगाबाइट कितना हो गया, 1024। इसका आंसर हो जाएगा 1000, ये थोड़ा रॉन्ग हो गया, इसका आंसर होगा 1024 बाइट, इसका आंसर तो 1024 बाइट होगा, ए होगा। 1 किलोबाइट बराबर क्या होगा, ये कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन है, तो आपको क्या कंफ्यूज नहीं होता है, 1 किलोबाइट बराबर क्या होता है, 1024 बाइट होते हैं, ये बस याद रखना है आपको। आगे इसी प्रकार का मैंने इसी प्रकार क्वेश्चन दिया था ताकि कंफ्यूज हो, 1 मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं, 1 मेगाबाइट की बात हो रही है, तो 1 मेगाबाइट यानी जीबी की बात करें तो 1024 केबी होने पर ही क्या 1 मेगाबाइट बन जाता है। आगे बात करें 7 नंबर क्वेश्चन,
एक गिंगाबाइट जीबी कितने बाइट के बराबर होता है? अब जीबी आपको पता है कि कितना होगा, यानी जब 1024 MB हो जाएगी तब उसे क्या कहेंगे, पूरा 1 GB बन जाएगा, उसे क्या कहेंगे, पूरा 1 GB। तो इसका आंसर हो जाएगा 1024 MB, इसका जो है आंसर हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, तो जैसे इस प्रकार चलता है 1024 KB, उसके बाद 1024 MB, इसके बाद चलेगा 1024 GB आ जाएगा, इसके बाद 1024 TB आ जाएगा, और इसके बाद 13 BB आ जाएगा, इसके बाद 1024 PB आ जाएगा, और इसके बाद 1024 EB आ जाएगा, इसके बाद 1024 ZB आ जाएगा, ZB, इसके बाद YB आ जाएगा, YB, इसके बाद 1024 BB जो है BB जिसे GB कहा जाता है, और BB आ जाता है। इस प्रकार जितने भी है ये होते हैं, तो आप याद रख लेना है, लगभग एग्जाम के अंदर यहाँ तक पूछा जाता है, इससे आगे जो है लगभग नहीं पूछा जाता है। तो इतनी डिटेल आपको याद रखनी है, 1024 MB के बाद MB, के बाद GB के बाद TB हो जाएगा। आगे बात करें 8 नंबर क्वेश्चन, क्या कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं क्रोमियम से, आयरन ऑक्साइड से, सिल्वर से, सिलिकॉन से? तो जो है आईसी चिप किसका बना होता है, जो तीसरी पीढ़ी में प्रयोग की गई थी, तीसरी पीढ़ी जो थी 1964 से 1975 के बीच तीसरी पीढ़ी का जो है निर्माण, तीसरी पीढ़ी आई थी, जिसके अंदर जो है आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया था, जो सिलिकॉन की बनी होती थी। इसका आंसर हो जाएगा सिलिकॉन की बनी होती थी, जिसका आविष्कार किसने किया था, जैक किल्बी ने। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से आईसी का आविष्कार किसने किया था, तो जैक किल्बी, ये आपको याद रखना है, जैक किल्बी द्वारा आईसी का प्रयोग किया गया था। ये क्वेश्चन इस प्रकार रहता है, आईसी का प्रयोग किस पीढ़ी में किया गया, तो तीसरी पीढ़ी में आ जाएगा, जो 1964 से 1975 तक चली, और किसकी बनी होती है, तो ये सिलिकॉन की बनी होती है। आगे बात करें 9 नंबर, इंटरनेट के पते में पद जो है HTTP का सही विस्तृत रूप क्या होगा, तो इसकी फुल फॉर्म बतानी है कि इसमें जो है, इसमें दिया पहला हाइगर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये नहीं होगा, फिर हाइगर ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, इसके बाद हाइब्रिड टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये नहीं होगा, तो इसके अंदर होगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका आंसर हो जाएगा, जिसका आंसर हो जाएगा डी HTTP। इसके बारे में बहुत बार जो है फुल फॉर्म पूछी जाती है, जो कि एग्जाम में पूछा गया था। निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है, निम्न में से आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी जो है इसमें ऑप्टिकल मेमोरी है, तो इसका आंसर हो जाएगा CD-ROM। CD-ROM क्या है, इसके अंदर ऑप्टिकल डिवाइस है यानी मेमोरी है। आगे बात करें 11 नंबर क्वेश्चन की, CPU में कंट्रोल, मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है, यानी एक तो CPU के अंदर कंट्रोल करेगा, एक मेमोरी हो गई, और तीसरा कौन सा जो है काम करेगा अपना, प्रोसेसर, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोसेसर, इसके अंदर आ जाएगा, यानी कंट्रोल, उसके बाद मेमोरी, मेमोरी के बाद प्रोसेसर, इसका तीसरा यूनिट बन जाता है। आगे बात करें, एक मैंने कल जो फर्स्ट पार्ट दिया था उसके अंदर मैंने CPU की जो है ऑप्शन के अंदर तो सही दी थी, लेकिन मेरा उसका उत्तर जो है गलत लग गया था, तो इसका अंदर हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसकी फुल फॉर्म हो जाती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसकी फुल फॉर्म हो जाती है, तो ये थोड़ा ध्यान रख लेना, जो मिस्टेक हो गया था थोड़ा। आगे बात करें 12 नंबर क्वेश्चन की, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोसेसर, इसे क्या कहते हैं, प्रोसेसर कहते हैं। एक हार्डवेयर डिवाइस, जो हार्डवेयर क्या होता है, हार्डवेयर जिसे जिस वस्तु को हम छू सकते हैं उसे क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं। जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करती है उसे प्रोसेसर कहते हैं, तो ये परिभाषा याद कर लेना। आगे बात करें 13 नंबर क्वेश्चन, जो कि पक्का ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पक्का रट लेना चाहे लिख लेना, कॉन्स्टेबल के अंदर और ग्राम सेवक के अंदर पक्का छपता है, और अब की बार भी छपेगा, जो कि LDC के एग्जाम में पूछा गया था ये क्वेश्चन, और आगे रिपीट होगा। प्रोफेसर के तीन मुख्य भाग हैं, प्रोफेसर के मुख्य तीन भाग कौन कौन से हैं, तो ये देखो इसमें ALU दे दिया, फिर कंट्रोल दे दिया, यूनिट दे दिया, रैम दे दिया, उसके बाद ALU कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, उसके बाद केस कंट्रोल यूनिट रजिस्टर, और इनमें से कोई नहीं, तो सभी के सभी कंफ्यूज करने वाले हैं, तो आपको थोड़ा ध्यान से देकर इस क्वेश्चन को पढ़ लेना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसके पहले आएगा ALU, जिसे अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, उसके बाद कंट्रोल CU आ जाएगा, और इसके बाद जो है
रजिस्टर, कंट्रोल यूनिट आ जाएगी, उसके बाद रजिस्टर जो सबसे तेज मेमोरी है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से सबसे तेज मेमोरी कौन सी है, तो रजिस्टर इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, उसके बाद कंट्रोल यूनिट, उसके बाद रजिस्टर, तो ये आपको याद रखना है। आगे बात करें 14 नंबर क्वेश्चन की, कंप्यूटर में जानने वाले डेटा को क्या कहते हैं, तो ये जो है सामान्य सी भाषा भी क्वेश्चन में पूछ ली जाती है। तो देखो कंप्यूटर है, कंप्यूटर के अंदर जो इस प्रकार कंप्यूटर होता है आपको पता है, इसके जो है इस प्रकार जो है कीबोर्ड होता है, इस प्रकार व्यक्ति बैठा होता है आपको पता है। तो जैसे ये यहाँ पे क्या है, इनपुट करेगा, यानी क्या करेगा, इनपुट करेगा, और इनपुट क्या हो गया, कीबोर्ड क्या हो गया, इनपुट डिवाइस हो गया, इस पर कीबोर्ड करेगा और जाएगा कंप्यूटर में, कंप्यूटर इसको क्या CPU के द्वारा प्रोसेस करके इसको क्या निकालेगा, बाहर निकालेगा, और बाहर निकालेगा तो ये किस रूप में देगा हमें, हार्ड कॉपी आउटपुट के रूप में हमें देगा, किस रूप में, हार्ड कॉपी आउटपुट के रूप में हमें देगा। तो इस प्रकार को डिटेल याद रखना है। इसने क्या क्या जानने वाले डेटा को, यानी हमने क्या इसको डेटा दिया कंप्यूटर को, तो इस डेटा को क्या क्या कहते हैं, इनपुट कहेंगे, और आने वाले जो बाहर निकलने वाले डेटा को क्या कहेंगे, आउटपुट कहेंगे। तो ये आपको याद रखना है। आगे बात करें 15 नंबर क्वेश्चन की, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा जो है इन्फॉर्मेशन में परिवर्तन किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, पक्का पूछा ही जाता है डेटा, या कई बार पूछ लिए जाते हैं आंकड़े, डेटा या आंकड़े किसे कहा जाता है, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इन्फॉर्मेशन में परिवर्तन किया जाता है उसे डेटा कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। आगे बात करें 16 नंबर क्वेश्चन की, किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था, तो मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण सर्वप्रथम ब्लेज पास्कल द्वारा किया गया था, और जॉन मोचली द्वारा NA कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था, ये आपको याद रखना है। लेकिन इसका आंसर जो है बी हो जाएगा, ब्लेज पास्कल द्वारा जो है 1642 ईस्वी में क्या है, पास्कल लाइन का निर्माण किया गया था, और ये ब्लेज पास्कल किस देश के हैं, तो फ्रांस के हैं, ये कहाँ के हैं, फ्रांस देश के हैं, जिन्होंने क्या है मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण सर्वप्रथम किया था। आगे बात करें 17 नंबर क्वेश्चन की, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है, भारत में सर्वप्रथम जो कंप्यूटर था उसका नाम था सिद्धार्थ, लेकिन आर्यभट्ट भी है इस प्रकार जो है नाम है, लेकिन इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे बात करें 18 नंबर क्वेश्चन की, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है, तो पीढ़ियों में से आपको पता है कि एक क्वेश्चन पक्का ही छपने वाला है, तो पूरा का पूरा जो है आपको डेली में रिपीट क्वेश्चन आएंगे, उसमें सभी के सभी क्वेश्चन आ जाएंगे। पहले 80 चिप का आ गया तीसरी पीढ़ी के अंदर, अब उसने क्या पूछा चौथी पीढ़ी के अंदर, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है, तो चतुर्थ पीढ़ी का जो है कंप्यूटर है, और पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था, और तीसरी पीढ़ी में IC का प्रयोग किया गया था, और दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था, और ट्रांजिस्टर के स्थान पर तीसरी पीढ़ी में IC का प्रयोग किया गया, और IC के बाद माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया चतुर्थ पीढ़ी के अंदर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, चतुर्थ पीढ़ी के अंदर। आगे बात करें 19 नंबर क्वेश्चन की, निम्न में से तेज कौन सा है, अब इनमें रजिस्टर दिया है, CD-ROM दिया है, RAM दिया है, रेंडम एक्सेस मेमोरी, कैश मेमोरी दिया है, तो इसमें सबसे तेज मैंने बताया था रजिस्टर, जो CPU के अंदर CPU की जिसे प्रोसेस कहते हैं CPU की मेमोरी होती है, तो ALU उसके बाद कंट्रोल यूनिट के बाद रजिस्टर मेमोरी इसके जो है आती है, ये क्रमवाइज पूछ लिया जाता है, तो ये आपको याद रखना है, और इसका आंसर जो हो जाएगा ए, रजिस्टर मेमोरी सबसे तेज मेमोरी होती है। आगे बात करें डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है, अब डॉट मैट्रिक्स क्या है ये, पहली बात तो बात करें डॉट मैट्रिक्स क्या है, ये कि प्रिंटर है, क्या है ये प्रिंटर है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, जो कि प्रिंटर के बारे में पक्का एक क्वेश्चन आएगा किसी प्रकार पूछ लिया जाए। प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, इंपैक्ट प्रिंटर और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, और जो ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है ये किस में शामिल होता है, इंपैक्ट प्रिंटर में, किस में आता है, इंपैक्ट प्रिंटर के अंदर आता है। और इंपैक्ट प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के, एक तो डॉट मैट्रिक्स हो गया, उसके बाद ड्रम हो गया, उसके बाद डेजी व्हील प्रिंटर। यानी इंपैक्ट प्रिंटर की बात करें तो इंपैक्ट जो प्रिंटर होते हैं, इंपैक्ट प्रिंटर की बात करें तो इंपैक्ट प्रिंटर तीन प्रकार के होते हैं, एक हो गया हमारा डॉट मैट्रिक्स, ये जो मैंने क्वेश्चन दिया है, इसके बाद दो नंबर की बात करें तो ड्रम हो गया, ड्रम प्रिंटर हो गया, उसके बाद बात करें तो डेजी व्हील जो है बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये जो है तीन प्रकार के हो गए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रिंटर है, किस प्रकार का उपकरण है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा है, सर्वाधिक जो है तेज गति, तो लेजर, यानी लेजर किरणों से सर्वाधिक जो है प्रिंट स्पीड में जो है होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा लेजर प्रिंट।
अब लेजर प्रिंट है तो लेजर प्रिंट की गति बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि लेजर प्रिंट की गति किसमें मापी जाती है, तो गति इसमें PPM यानी पेजेस प्रति मिनट के अंदर जो है लेजर प्रिंट की गति मापी जाती है। तो ये आपको याद कर लेना, पक्का क्वेश्चन आएगा। और अगर सीधा पूछ लिया जाए प्रिंटर की, ओनली प्रिंटर पूछ लिया जाए, ओनली प्रिंटर की गति किसमें मापी जाती है, तो DPI में मापी जाती है, यानी डॉट पर इंच, डॉट पर इंच पर प्रिंटर की गति मापी जाती है। इन क्वेश्चनों को देख लेना, पक्का क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए आएगा, देगा लेजर प्रिंट का, लेकिन आपको DPI भी ऑप्शन मिलेगा, PPM भी अमल मिलेगा, और एक सुपर कंप्यूटर की गति भी मापी जाती है, उसका मैं आपको डिटेल से बताऊंगा आगे। आगे बात करें 22 नंबर क्वेश्चन की, LCD का पूरा नाम क्या है? LCD, LED, ये जितनी भी फुल फॉर्म है उसमें आपको स्पेशल दो वीडियो में उपलब्ध करवाने वाला हूँ। 30-30 क्वेश्चन आपको डेली मिलेंगे, एक भी क्वेश्चन फुल फॉर्म में से बाहर नहीं जाएगा, चाहे लिख लेना चाहे याद कर लेना। स्पेशल मेरे जो है क्वेश्चन तैयार किए हुए हैं, जितने भी एग्जाम में पीछे आई हुई है वही क्वेश्चन रिपीट होंगे, चाहे लिख लेना चाहे कुछ करना। तो इसकी जो इसका आंसर हो जाएगा, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, यानी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अब देखो थोड़ा ध्यान से देखना है क्वेश्चन को, कई बार कन्फ्यूज हो जाता है, मैं भी कन्फ्यूज हो जाता हूँ, ऐसा नहीं है कि इंसान जो है गलतियों का पुतला है, तो थोड़ा ध्यान से जो है देखकर हमें जो है क्वेश्चन को करना है। तो देखें इसमें दिया है लिक्विड सेंट्रल, तो हमने ये अगर नहीं देखा तो इसमें गलत हो जाएगा। इसमें लैंड देखो, क्रिस्टल डिवाइस देख लिया तो ये गलत हो जाएगा। इसमें लाइट देखो, लाइट सेंट्रल डिवाइस, तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। आगे बात करें 23 नंबर गेम की, 23 नंबर क्वेश्चन की, गेम खेलना किससे आसान होता है, यानी हम अगर कंप्यूटर पर गेम खेलेंगे तो किस जो है बोर्ड का प्रयोग करेंगे, तो हम जॉयस्टिक का प्रयोग करेंगे, जो कि एक इनपुट डिवाइस है। इस प्रकार आपको याद कर लेना है, जैसे कोई आपने शब्द याद किया जैसे जॉयस्टिक है, तो जॉयस्टिक के साथ इनपुट लगा दिए, जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है, बस अपने आप जो है क्वेश्चन याद हो जाएगा। माउस इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड, तो हम जॉयस्टिक के द्वारा जो है इस प्रकार होती है, गियर टाइप होता है, इस प्रकार जो होता है हम इसको क्या इधर उधर करके गेम खेल सकते हैं। तो इसका 24 नंबर क्वेश्चन की बात करें, कंट्रोल शिफ्ट और अलर्ट को कौन सी कुंजियां कहा जाता है, जो कंप्यूटर के अंदर कीबोर्ड के अंदर जो कुंजियां होती है, कंट्रोल और प्लस शिफ्ट और प्लस अल्ट, तो इसको क्या कहते हैं, मॉडिफाइड कुंजियां कहते हैं, जो कि एग्जाम में पक्का पूछा जाता है और कॉन्स्टेबल के अंदर पक्का पूछा जाएगा, ये देख लेना। फंक्शन की में से आएगा एक, तो 12 जितनी भी फंक्शन की है उसमें से क्वेश्चन आएगा पक्का, एक आएगा सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा कि निम्न में से इन कुंजियों को क्या कहते हैं। आगे बात करें 25 नंबर क्वेश्चन की, OCR का पूर्ण नाम क्या है। अब OCR क्या है इसका कमेंट बॉक्स में बताना है, कि इनपुट डिवाइस है, एक आउटपुट डिवाइस है, मैंने आपको पहले बता दिया है। अब इसकी फुल फॉर्म की बात करें, ऑप्टिकल, ओ का बन जाएगा ऑप्टिकल, सी का बन जाएगा करेक्टर, और आर का बन जाएगा रिकॉग्निशन। तो रीडर भी आ जाए तो भी आपका सही होगा, और रिकॉग्निशन भी आ जाए तो भी आपका आंसर सही होगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये बी। अब देखो इसमें ऑप्टिकल तो दिया है, इसने CPU दे दिया, यहाँ पे रिकॉग्निशन तो दिया है लेकिन यहाँ पे CPU गलत दे दिया, और यहाँ पे देखो ऑप्टिकल करेक्टर, यहाँ पे रेंडरिंग, यहाँ पे या कर दिया, तो इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा बी, जो को आपको याद रखनी है। लेकिन मैं आपको वीडियो उपलब्ध करा दूंगा, आप कॉपी में लिख लेना, जब एग्जाम होगा तो आप कहोगे यार सही के सभी सही हैं। आगे बात करें क्वेश्चन की 26 नंबर क्वेश्चन की, डेली आपको 30 क्वेश्चन मिलते हैं, जो कि आपको 60 क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें से 60 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन आपको रीजनिंग आएंगे और 30% कंप्यूटर के आने वाले हैं, राजस्थान पुलिस के अंदर और ग्राम सेवक के अंदर जो है कंप्यूटर के क्वेश्चन मिक्स आने वाले हैं। आगे बात करें निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, ये क्वेश्चन तो पक्के आएंगे, कन्फ्यूज करने वाले हैं, 3 से 4 क्वेश्चन पक्के आएंगे जो आपके नंबर कटवाएंगे, देख लेना। आगे बात करें तो हमें नंबर नहीं कटवाने हैं, डेली वीडियो देखोगे क्योंकि यही क्वेश्चन रिपीट होंगे, वहाँ पर देख लेना। निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर है, मॉनिटर है, फ्लोटर है, टच स्क्रीन है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा टच स्क्रीन क्या है, एक आउटपुट डिवाइस नहीं है, इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर है आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, फ्लोटर आउटपुट डिवाइस है। अब प्रिंटर हमें क्या देता है, हार्ड कॉपी देता है, और हार्ड कॉपी क्या है, आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर हो गया, फ्लोटर हो गया, फ्लोटर क्या होते हैं, अब फ्लोटर का काम क्या होता है, जो बड़े बड़े चार्ट बनाए जाते हैं कोचिंगों के लिए, जैसे पूरी बड़ी कोचिंगों के लिए फ्लोटर के द्वारा जो है बनाया जाता है ये। आगे बात करें 27 नंबर क्वेश्चन का, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था। अब ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, जो पहला कंप्यूटर किसने बनाया था, तो डगलस एंजल्ड जो है एंजलबर्ट द्वारा जो है सर्वप्रथम पहला कंप्यूटर बनाया गया, जो माउस बनाया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा बी।
आगे बात करें 28 नंबर क्वेश्चन की, जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं, पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर पर, तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है, यानी जब हम पर्सनल कंप्यूटर पर कार्य करते हैं तो वो कहाँ पे जो है स्टोर होता है अस्थायी रूप से। अब अस्थायी रूप से सीधा ही पूछ लिया इसने, अगर पूछ लिया जाता निम्न में से कौन सा जो है कौन सी मेमोरी अस्थायी रूप में होती है, जो है अस्थायी रूप में डाटा स्टोर करती है, तो अब इसका जवाब आप क्या देते। सेम क्वेश्चन है तो आपको क्या क्वेश्चन को समझना है, अगर क्वेश्चन आपने समझ लिया इसका आंसर दे सकते हैं हम, तो इसका आंसर जो हो जाएगा रैम। अब रैम की बात करें तो रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी इसकी फुल फॉर्म होती है। इसे अस्थायी मेमोरी कहते हैं, ये लिख लेना चाहिए, याद कर लेना, अस्थायी मेमोरी कहते हैं। पक्का क्वेश्चन पूछा जाता है रैम और रोम के बीच में, सीधा क्वेश्चन पूछेगा निम्न में से इसके अंदर जो रैम और मेमोरी इन दोनों इसमें से आपको कथन मिलेंगे, सीधा नहीं देगा निम्न में से कौन सी जो है इसकी फुल फॉर्म थी, इसमें अब की बार कथन मिलने वाले आपको। निम्न में से पूछेगा कि सही कथन बताइए, रैम एक अस्थायी मेमोरी है, इसे प्राइमरी मेमोरी कहते हैं या नहीं कहते हैं, इस प्रकार मिल डाल देंगे, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। रैम के बारे में बात करें तो रैंडम एक्सेस मेमोरी इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, और इसे प्राइमरी मेमोरी कहते हैं, मुख्य मेमोरी कहते हैं, वोलेटाइल जो ये शब्द है ये आपको याद करना है, अस्थायी को क्या कहते हैं वोलेटाइल ये याद कर लेना, और रोम जो होती है ये तो हो गया रैम, मैं आपको बता दूं रैम को क्या कहते हैं वोलेटाइल, ये दोनों शब्द जो है देख लेना, और इसको क्या कहते हैं नॉन वोलेटाइल। अगर आ जाए नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है तो रोम होगा, अगर आ जाए वोलेटाइल तो इसके अंदर आंसर रोम हो रैम होगा, ये थोड़ा ध्यान रख लेना, पक्का क्वेश्चन आता है इस प्रकार का। और अब इसने क्या पूछा कि कंप्यूटर पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं और जब यह लाइट चली जाती है तो इसमें अस्थायी रूप से जो है स्टोर होता है, तो उस कंप्यूटर के बंद होने के बाद इसमें उपस्थित डाटा जो है अपने आप डिलीट हो जाता है, इसलिए इसे अस्थायी मेमोरी कहा जाता है। आगे बात करें 29 नंबर क्वेश्चन की, निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। अब सीधा ऑप्टिकल डिस्क के अंदर बहुत क्वेश्चन आते हैं, ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण नहीं है या ऑप्टिकल डिस्क कौन से इसमें से नहीं है, हाँ से जवाब बहुत बार आता है, तो इसके अंदर जो है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क जो क्या है एक ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। आगे बात करें डीवीडी का उदाहरण है डीवीडी, अब डीवीडी की आपको फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में बतानी है, कल मैं इसकी आपको जो है फुल फॉर्म बता दूंगा, लेकिन आपको आज डीवीडी की फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में बतानी है कि डीवीडी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो ये क्या होती है एक ऑप्टिकल डिस्क होती है डीवीडी, डीवीडी क्या होती है एक ऑप्टिकल डिस्क होती है, तो इसका जवाब आपको मिल जाए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको डेली इस प्रकार के क्वेश्चन मिलते रहे, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और मैंने जो क्वेश्चन पूछा है कमेंट बॉक्स में उसका जवाब देना, शेयर जरूर करना, जो विद्यार्थी अन्य तैयारी करें उन्हें फायदा मिले, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, कल भी फर्स्ट पार्ट की आपको जो है टेलीग्राम पर पीडीएफ मिल चुकी है, और आज भी जैसे आज वीडियो अपलोड किया है तो शाम को जो है 12 घंटे बाद या 10 घंटे बाद आपको इसकी पीडीएफ जो उपलब्ध हो जाएगी, उससे पहले आप वीडियो को देखिए, क्योंकि वीडियो के अंदर जितने तथ्य मिलते हैं वो आपको पीडीएफ में नहीं मिलते हैं, क्योंकि जो रिपीट क्वेश्चन है पक्के जो है एग्जाम में पूछे ही पूछे जाते हैं। तो जय हिंद जय भारत दोस्तों।